कारवां टीवी हर पल आपके साथ। सत्संग में भगदड़, 100 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका। हाथरस के रतिभानपुर में भोले बाबा की सत्संग के समापन के दौरान भगदड़ मच गई। इस घटना में 100 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है, जबकि जिला अधिकारी ने 60 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। डीएम आशीष कुमार के अनुसार एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान भगदड़ से लगभग 50 से 60 लोगों की मौत हो गई है। ये निजी कार्यक्रम था जिसके लिए आयोजकों ने एसडीएम से अनुमति ली थी। उत्तर प्रदेश के हाथरस स्थित रतिभानपुर में सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। जिला अधिकारी ने अब तक 60 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। हादसे में मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इस हादसे पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने जिला प्रशासन को घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके उपचार कराने पर मौके पर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में घटना के कारणों की जाँच के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद सरकार के दो वरिष्ठ मंत्री और मुख्य सचिव के साथ डीजीपी भी घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। देखिए कारवां टीवी के लिए रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। सत्संग समागम चल रहा था जिसमें एक घटना सामने आई है, कुछ लोगों की मौत हुई है, सब क्या कर रहा है ये? इसमें जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गाँव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय उमस के अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना पाना संभव नहीं है। जी यहां पे जो अभी सीएचसी से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक है जिन जो मृतक हुए हैं। इसकी परमिशन एसडीएम साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी जांच भी गठित की गई है। जी एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा। एग्जैक्ट अभी ये इस स्थिति में मैं नहीं हूँ कि बता सकूं। अभी हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और वो और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराया जाए। देखिए इसमें जांच चल रही, जांच होगी, देखिए वो जांच में निकल आएगा। जिम्मेदार बताइए इसका, जिम्मेदार कौन होगा? नहीं सर आप ऐसे नहीं जा सकते, आप जवाब दीजिए हमें। देखिए वो जांच कमिश्नर की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कहा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड शो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए, समझ लिया कितने लोग की वजह से दुर्घटना हुई। आदमी चले गए यहाँ से 200 के लगभग चले गए और एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। एम्बुलेंस आगे को सप्लाई नहीं कर रहे, दो घंटे में भेज दो हिंदुस्तान के हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन क्या करेंगे हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन 2 घंटे में बताइए हमने कैच कैच के लाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है। एक डॉक्टर है, कोई डॉक्टर नहीं है, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, सीरियस हो गया। 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे, सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है, 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। ऑक्सीजन लगे
कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।